आज हम लोग देखेंगे अकबर के दक्षिण भारत अभियान। अकबर ने पूरा दक्षिण भारत पर विजय हासिल कर मुगल साम्राज्य में पूरा भारत दक्षिण भारत को मिला लिया था। तो आज वही देखेंगे कि अकबर ने किस तरह दक्षिण भारत पर अभियान करके पूरा दक्षिण भारत को भारत में मिला लिया था। तो देखेंगे अकबर ने दक्षिण भारत अभियान के लिए, मोस्ट बातें हैं कि दक्षिण भारत अभियान के लिए किसको भेजा अकबर ने। तो अकबर ने दक्षिण भारत अभियान के लिए अबुल फजल और उसके पुत्र मुराद को मुगल सेना के नेतृत्व में दक्षिण अभियान करने के लिए भेजा। अब्दुल रहीम और उसके पुत्र मुराद को मुराद के नेतृत्व में दक्षिण भारत अभियान के लिए मुगल सेना को भेजा, ठीक है, भेजा। और दक्षिण भारत के चार प्रमुख राज्य थे जिस पर अकबर ने अधिकार कर लिया। खानदेश था जो महाराष्ट्र के दक्षिण पठार का क्षेत्र था। खानदेश जो था, अकबर के मुगल सेना की आक्रांता देखकर उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन बाद में 1601 ईस्वी में उन्होंने खानदेश के शासका ने अकबर और मुगल सेना के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने रिश्वत दिया, क्योंकि अकबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए असीरगढ़ के युद्ध में ही यह विद्रोह को दबा दिया, समाप्त कर दिया। कहा जाता है कि अकबर ने यह युद्ध रिश्वत देकर जीता। 1601 ईस्वी में इन्होंने असीरगढ़ का युद्ध जो था अकबर ने रिश्वत देकर जीता। कहते हैं कि अकबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध जो था वह भी असीरगढ़ का युद्ध था। जब खानदेश के विद्रोह को जब दबा दिया तो खानदेश पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने अहमदनगर पर अभियान किया। अहमदनगर के जो शासका थे चांद बीबी ने मुगल सेना का सामना किया और यह पराजित हो गई। तब अकबर ने अहमदनगर क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। साथ ही साथ अहमदनगर के पास वाला क्षेत्र बरार पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। उसके बाद बीजापुर जो था, भारत के कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है, बीजापुर ने स्वयं अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली मुगल सेना का आक्रांता देखकर। फिर उसने गोलकुंडा पर भी अधिकार कर दिया। तो लगभग अकबर ने भारत दक्षिण का पूरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, पूर्ण रूप से दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया था। इन सभी क्षेत्रों पर अकबर ने अधिकार कर लिया था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, असीरगढ़ और मेहरगढ़, बरा, ये इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। फिर अकबर ने फिर देखेंगे दोस्तों 1605 में इन्होंने क्या किया। 1605 ईस्वी में इन्होंने 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में अकबर के पुत्र जहांगीर ने इसके खिलाफ अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह शुरू कर दिया। जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। यह विद्रोह जो था इलाहाबाद में शुरू हुआ। यह विद्रोह कहां शुरू हुआ? इलाहाबाद में शुरू किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा। लेकिन जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। लेकिन जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला इसकी हत्या कर दिया। तो इस विद्रोह को दबाने के समय ही अबुल फजल की मृत्यु कर दिया वीर सिंह बुंदेला ने। कौन सा विद्रोह? इलाहाबाद के विद्रोह में। फिर अकबर 1605 ईस्वी में ही
डायरिया बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। डायरिया बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 ईस्वी में अकबर को डायरिया बीमारी हो जाती है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आज इतना चलेगा। जय हिंद।